बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार बैक टू बैक फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं और वो हर साल 3 से 4 फिल्में रिलीज कर देते हैं। अक्षय की कमाई की स्पीड भी कुछ इतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है और उनकी कमाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि बाकी बॉलीवुड के सारे स्टार्स उनसे पीछे छूट जा रहे हैं। जी हाँ, और अब खिलाड़ी कुमार ने एक ऐसा ही नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म में इतनी मोटी रकम ली है कि वो बन गए हैं इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर। अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए पूरे 120 करोड़ की फीस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार ने अब अपनी अगली फिल्म के लिए 120 करोड़ की डील साइन की है और ये वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है। अक्षय कुमार की इस नई फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद एल रॉय और खबर है कि इस फिल्म में अक्षय के साथ सारा अली खान और साउथ के सुपरस्टार धनुष भी नजर आ सकते हैं। दरअसल 2020 में मिली अक्षय की ये भारी भरकम फीस उनकी 2019 की सक्सेस से जुड़ी है। जी हाँ, पिछले साल अक्षय कुमार ने हाउसफुल 4, मिशन मंगल और गुड न्यूज जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और लगभग 700 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए। वेल, तो अक्षय कुमार इस समय फायदे का सौदा हैं। वो जो भी फिल्में करते हैं बॉक्स ऑफिस पर हिट हो ही जाती है, उनके नाम से ही सिर्फ ऑडियंस थिएटर पर खींची चली आती है। ऐसे में अक्षय और उनकी टीम का मानना है कि अक्षय को कम से कम 100 करोड़ की फीस तो मिलनी ही चाहिए। वेल, आनंद एल रॉय की फिल्म के लिए अक्षय कुमार को 120 करोड़ की फीस दी गई है या नहीं, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए भारी भरकम फीस लेने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके साथ ही अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि साल 2020 में अक्षय कुमार की कुछ बहुत ही बड़ी फिल्में आने वाली हैं, सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब और बच्चन पांडे। और आनंद एल रॉय की फिल्म अगर आती है तो इन 4 फिल्मों के साथ वो सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। वेल, आप अक्षय कुमार के इन फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माय बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।